Hello student, today I am going to explain you your chapter 1 of class 6, that name is the Earth in the solar system. So now as we all know that in sky after the sunset we observe lot of things happening. जैसे जैसे रात होती जाती है हमें तारे और चंद्रमा ज़्यादा ओपनली दिखाई देने शुरू होते हैं. ओके सो नाउ जैसे हम देखेंगे कि हमारी अर्थ भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. अर्थ से हम स्काई को देखते हैं रात को तो हमें काफ़ी चीज़ें उसमें शाइनिंग ट्विंकलिंग थिंग्स दिखाई देती हैं, जैसे हम जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं और बाकी प्लैनेट्स हैं. बाकी प्लैनेट्स को हम ओपन आई के साथ नहीं देख सकते हैं बट स्टार्स को हम देख सकते हैं. अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे कैसे होती हैं. जैसे फुल मून नाइट जो होती है जिसको हम पूर्णिमा भी बोलते हैं उसमें हमें चांद पूरा दिखाई देता है. बट आफ्टर अ फोर्थ नाइट वी सी दैट इट्स एन अमावस्या नाइट नोन एज दी न्यू मून नाइट, जिसको अमावस्या जिसे हम कहते हैं कि न्यू मून नाइट, क्योंकि उस दिन चंद्रमा नहीं होता है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो उसके पूरे होने की शुरुआत होती है. अब हम ये सोचेंगे कि भी हमें जो मून है और जो सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो दिखाई देते हैं रात को, वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं. इस चीज़ को हम अगर लेते हैं तो इसमें हम सोच लेते हैं कि दिन में तो होते ही नहीं, पर ये चीज़ नहीं होती है. दिन में वो चीज़ें होती हैं लेकिन सूरज की जब तेज़ रोशनी होती है उसके कारण हम उन्हें नहीं देख पाते हैं. अब हम उसमें देखते हैं कि हमें एक चीज़ सामने आती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल बॉडीज़. क्रिस्टल बॉडीज़ को हिंदी में हम बोलते हैं खगोलीय पिंड. अब ये क्या होते हैं क्रिस्टल बॉडी? क्रिस्टल बॉडी वो होते हैं जिनके पास अपनी लाइट और अपनी हीट होती है बहुत बड़े अमाउंट में. इसके एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं सन प्लस मून एंड प्लस ऑल शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें सौरमंडल में यानी कि सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं वो सब हमारे आते हैं क्रिस्टल बॉडीज़ में. क्रिस्टल बॉडीज़ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें आएगा द सन एंड मून एंड द ऑल द दीज ऑब्जेक्टिव शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्रिस्टल बॉडीज नोन एज खगोलीय पिंड. हिंदी में बोला जाता है इसे खगोलीय पिंड. सम क्रिस्टल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. हमारा सूरज जो है वो भी एक गैस का बना हुआ है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर है प्लस उसमें गैसेज हैं बहुत सारी. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. दीज आर कॉल्ड स्टार्स. द सन इज अ स्टार. सन भी एक स्टार है जिन क्रिस्टल बॉडीज के पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है उन्हें हम क्रिस्टल बॉडीज कहते हैं. वो स्टार जो अपनी लाइट और अपनी हीट रखते हैं उनको हम क्रिस्टल बॉडीज कहते हैं. अब आया इसमें कि countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun but do not feel their heat or light as they are very far from us. ab hame jo cheeze yahan se dikhai deti hain wo bahut dur hoti hain humse. sun hamare paas hai lekin wo utna paas bhi nahi hai ki hum use ye keh dein ki wo bilkul hamare saath mein hai. uska distance humse bahut zyada hai jiski wajah se uski heat hame yahan par rehne layak environment deti hai. theek hai, आगे हम पढ़ेंगे. हमारे पास आता है कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशंस हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल, जिसे हिंदी में कहा जाता है. जैसे ही हम रात को तारों की तरफ देखते हैं तो उसमें अलग अलग शेप अलग अलग आकृतियां बन रही होती हैं. उन आकृतियों को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. हमारे पास दो बहुत ही पॉपुलर कॉन्स्टिलेशन हैं जो हैं उर्षा मेजर एंड बिग बियर. उर्षा मेजर एक और बहुत ही पॉपुलर क्रिस्टल बहुत ही कॉन्स्टिलेशन नक्षत्र मंडल बनाती है जिसका नाम हम बहुत कॉमनली सुनते हैं. वो होता है हमारा सप्तऋषि, जिसे हम ओपन आई से देख सकते हैं. जब हमारी फुल मून नाइट होती है उसमें जब बहुत सारी चीज़ें विजिबल होती हैं हमें आसमान में, उस टाइम पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं. ये होता है सेवन ग्रुप ऑफ स्टार्स. सेवन ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जिसकी वजह से इसको सप्त यानी सेवन ऋषि यानी सेग्स. इट्स अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार पार्ट ऑफ उर्षा मेजर. ये हमारी जो उर्षा मेजर क्रिस्टलाइन है इसी का कॉन्स्टिलेशन है, इसी का पार्ट है हमारा सप्तऋषि. आगे आता है कि
कि जब पुराना टाइम था एंशिएंट टाइम में, जो कि बहुत पीढ़ियों पहले, जिस टाइम के हमें डायरेक्शंस की इतनी समझ नहीं थी, हम वेल नोन नहीं थे डायरेक्शंस के साथ, उस टाइम चांद, सूरज और बाकी स्टार्स जो कि विजिबल हैं नेकेड आई से, उनको हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते थे, डायरेक्शन का पता करने के लिए करते थे। जैसे कि आप देखिएगा, इन एशियन टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड द पोल स्टार। पोल स्टार हमारा सबसे शाइनिंग स्टार होता है, जो कि फिक्स्ड है इन नॉर्थ डायरेक्शन। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो स्काई में हमेशा ही नॉर्थ में ही दिखाई देता है, नॉर्थ में ही रहता है। तो इसको एक डायरेक्शन के सिंबल की तरह यूज़ किया जाता था इन एशियन टाइम, पुराने टाइम्स में, जब लोगों के पास डायरेक्शन के लिए कंपस वगैरह नहीं होते थे, समुद्र में जाते थे बाकी जगह पर अपनी डायरेक्शन पता करने के लिए, पोल स्टार को देखा जाता था, जिसको ध्रुव तारा कहा जाता है हिंदी में। आपने ये नाम सुना होगा अपने घरों पे भी, और इसे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं रात को अपने किसी भी बड़े के साथ। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि पोल स्टार किस तरफ है। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप मुंह करेंगे, अपना फेस करके खड़े होंगे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, तो आपको सामने ध्रुव तारा दिखाई देगा, जो कि सप्तऋषि के नीचे वाले दो तारों में से निकल के आगे दिखाई देता है, जो आपके बुक में डायग्राम बना भी हुआ है। आगे हम देखेंगे कि कुछ क्लिस्टल बॉडीज ऐसी हैं, क्लिस्टल बॉडीज जो हमने यहाँ पढ़ा था, जिनकी देयर अपनी ऑन हीट एंड लाइट, दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास ये नहीं होता, उनको देखिए हम क्या कहते हैं। सम क्लिस्टल बॉडीज डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार। यानी कि जिनकी अपनी खुद की नहीं होती है, वो स्टार्स की लाइट से चमकते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट। प्लैनेट भी एक क्रिस्टल बॉडीज ही हैं, लेकिन वो शाइन होती हैं कहाँ से, जो हमारे सन है, मून है और ऑल शाइनिंग स्टार्स हैं इन स्काई, उनसे, क्योंकि उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। इसका एग्जांपल है अपना अर्थ। अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, और प्लैनेट वर्ब जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्रीवन हुआ है, जिसका मतलब होता है वंडर्स। The earth on which we live is a planet. It gets all the heat and light from the sun, which is our nearest star. Nearest star है earth हमारा, sun हमारा earth से, और ये near इतना भी near नहीं है कि हमें ये लगे कि ये बिल्कुल पड़ोस में है। ये दूरी है, एक fixed दूरी पर है, लेकिन ये हमें ample amount of heat and energy देता है, जो कि जीवन के sustain करने के लिए हमें ज़रूरी है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just like a moon. जैसे अब हम चांद पर पहुंच चुके हैं, चांद पर हमारे साइंटिस्ट आ चुके हैं, तो चांद से जब हमारे पृथ्वी की इमेजेस ली जाती हैं, तो वो बिल्कुल चांद की तरह लगती है। किस वजह से? क्योंकि वो एक क्रिस्टल बॉडी ही है, लेकिन उसने जो हीट ली है वो सन से ली है, अपनी हीट और लाइट जो उसके पास है वो। अब आता है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है, ओके, वन थिंग मोर, हेयर वी हैव दैट द सैटेलाइट, विच इज, व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट हम उसे कहते हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर ना लगा के किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो। कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जिनके अपने खुद के मून हैं, अर्थ का अपना खुद का मून है, मून एक सैटेलाइट है, मून को हम एक सैटेलाइट के रूप में जानते हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, इट इज अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। इट लाइक अवर अर्थ देयर आर एट अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून टू। जैसे अर्थ अपनी लाइट और हीट के लिए सन पर डिपेंड है, ऐसे ही एट और प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी हीट और लाइट के लिए सन पर ही डिपेंड हैं, और अर्थ का की सैटेलाइट है मून, और इनके पास अपनी अपनी सैटेलाइट हैं। हमारे पास यहाँ अर्थ है, अर्थ सन के राउंड लगाती है, और मून जो है वो अर्थ के राउंड लगाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम हम देखते हैं कि सोलर वर्ल्ड जो है
वो रोमन मिथोलॉजी का है। सोलर का मतलब होता है, सोल का मतलब होता है सन गॉड, जिसमें हम सोलर बना है हमारा सोल प्लस सोलर कंप्लीट। सोल का मतलब होता है सन गॉड इन रोमन मिथोलॉजी। दिस वर्ड सोलर इज टेकन फ्रॉम रोमन वर्ड, रोमन लैंग्वेज। सो इट वॉज फ्रॉम सोल, इट वॉज सन गॉड एंड सोलर इज नोन एज रिलेटेड टू सन, मतलब सन ऑफ गॉड विच इज रिलेटेड टू सन। यानी सोलर सिस्टम हो गया वो ग्रुप, वो उन आठ प्लैनेट्स का ग्रुप जो सन से बाउंडेड हैं, सन से रिलेटेड हैं। तो सन गॉड, सन इज द मेन, वो उनमें मेन हो गया, उनका हेड हो गया, उनसे रिलेटेड हमारे पास एट हैं, एट जो प्लैनेट हैं। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सन से ही। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है इस पर आ जाओ। ये सोलर सिस्टम है, ये जो चीज़ है जिसके ऊपर हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं, ये जो रास्ता है इसको ऑर्बिट बोला जाता है। हर एक प्लैनेट का वो ऑर्बिट फिक्स्ड है जिस पर वो मूव करता है अराउंड द सन। मरकरी इज द नियरेस्ट वन, कंप्लीट इट्स राउंड इन 27 डेज सॉरी। सो नाउ वी हैव सन एज अ मेन, सन गॉड, दीज एट प्लैनेट्स इज रिलेटेड टू इट। सोलर सिस्टम इज कंप्लीटेड बाय the sun, eight planet, satellites and some other crystal bodies known as asteroid and meteoroids. Asteroids हमारे आते हैं मार्स और जुपिटर के बीच की बेल्ट। Asteroids क्या होते हैं सोलर सिस्टम के बाद में मैं आपको बताती हूँ asteroids क्या होते हैं। First हम पढ़ते हैं sun के बारे में कि sun क्या है। Made up of extremely hot gases. हमने पढ़ा कि sun एक crystallized है जिसके पास अपनी ओन हीट एंड लाइट है, अपनी खुद की हीट है और खुद की लाइट है। सन इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, इट्स प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स विच बाइंड द सोलर सिस्टम। सन के अंदर एक पुलिंग फोर्स होता है जो इन सब को खुद के साथ बांध कर रखता है। उस फोर्स की फ्रिक्वेंसी कम है हर दूरी पे बढ़ते हुए प्लैनेट के साथ, वो अपने साथ इनको बाइंड करता है अपने आसपास चक्कर लगाने के लिए। इसको हम बोलते हैं द फोर्स बिहाइंड द सोलर सिस्टम, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। यहाँ के प्लैनेट्स के लिए, क्योंकि ये सारे जो हैं ये प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स वो क्रिस्टलेट्स हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं है, वो डिपेंड हैं सन के ऊपर अपनी हीट और लाइट के लिए। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। रादर वी कैन से दैट कि अर्थ के सबसे नज़दीक का स्टार कौन है, सन है, लेकिन वो नज़दीक की भी इतनी पास नहीं है कि हम ये कहें कि बिल्कुल बगल में है। वो हमसे 150 किलोमीटर दूर है, मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंडीशन क्या है, रहने लायक होती हैं। अब आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को याद करने के लिए हमारे पास एक छोटा, आठों प्लैनेट को याद करने के लिए एक हेल्पफुल फ्रेज है हमारे पास जिसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। मैं यहाँ लिखती हूँ आपके लिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अब देखिए ये जो फ्रेज है ये पूरा उस सिमेट्री में है जिसमें हमारे सन से दूरी के साथ प्लैनेट्स हैं। हम इसे कैसे याद करेंगे, एम वी ई एम जे एस यू एन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून। ये हमारे आठ प्लैनेट हो गए, ये इनको याद करने के लिए आसान तरीका हो गया। इस फ्रेज को आप अपनी कॉपी नोटबुक में भी नोट करेंगे और याद भी करेंगे। अब क्या है, ये हमारी बात पहले हुई कि ऑर्बिट, जो ऑर्बिट में अराउंड द सन रोटेट करते हैं सब प्लैनेट, ये इनका फिक्स है।
मरकरी है वो सबसे नज़दीक का प्लेनेट है जो कि सन के साथ है, और इट टेक अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट द राउंड. मून टेक 27 डेज टुक ए कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ. तो अब हम बात करते हैं अर्थ की. अर्थ जो है वो हमारा थर्ड नियरेस्ट टू द सन है. इन साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. जितने भी प्लैनेट हैं उनको हमने दूरी और साइज के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है अलग अलग से. तो जो फिफ्थ प्लैनेट आता है साइज में वो है अर्थ, और ये दूरी के हिसाब से है थर्ड नंबर पर. इट्स शेप ऑफ जियोड, स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल. अर्थ की शेप जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो एकदम राउंड नहीं है, कुछ जियोड टाइप से है. ओके, और अर्थ के की जो दूरी है, अर्थ का जो साइज है, वो अर्थ के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाता है यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. इसके लिए मैं आपको एक पैरा पढ़ती हूँ. द कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ. ये कंडीशन सिर्फ अर्थ पर पाई जाती हैं. द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. हमारे यहाँ पर हर तरह के मौसम आते हैं, ना ही यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है. यहाँ पर पानी भी है, इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर ओवर सर्वाइवल. इसके पास पानी भी है, हवा भी है, वो दोनों चीज़ें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन. बिकॉज ऑफ दीज रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. जो लाइफ है वो प्रोबेबली सिर्फ सर्वाइव करती है अर्थ पर. तो अर्थ ही सिंगल एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, उससे अलग नहीं है. और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम सन से बहुत एप्रोप्रिएट दूरी पर हैं, ना हम ज़्यादा दूर हैं ना हम ज़्यादा पास हैं. जो प्लैनेट बहुत पास हैं उनके पास बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर इतनी हीट है कि हम यहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकते. जो सबसे दूर है यहाँ पर इतनी ठंड है कि हम यहाँ भी सस्टेन नहीं कर सकते. अब आगे आते हैं हम फ्रॉम द आउटर स्पेस. आउटर स्पेस यानी कि बाहर से जब हम अर्थ को देखते हैं तो हमें ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि हमारा जो टू थर्ड सरफेस ऑफ अर्थ इज ऑफ वाटर. इसकी वजह से जो दूर से पृथ्वी दिखाई देती है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है. द मून, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मून के बारे में. एकमात्र सैटेलाइट है जिसका डायमीटर सिर्फ वन फोर्थ है अर्थ के डायमीटर से. और मून जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है अपना एक राउंड, प्रोबेबली 27 डेज में वो कंप्लीट करता है. इट कंप्लीट वन स्पैन, एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड इज विजिबल टू अस. जब वो एक राउंड लगाता है तो उसकी सिर्फ एक फेज हमारी तरफ होती है, इस वजह से हम सिर्फ उसका एक ही फेज देख पाते हैं. डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ. चांद के ऊपर भी जीवन पॉसिबल नहीं है, बेशक चाहे वो हमारे साथ में ही है, उतनी ही दूरी पर है, फिर भी वहाँ पर लाइफ सस्टेन नहीं करती है क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है और पानी भी नहीं है. यहाँ अर्थ की सरफेस, मून की सरफेस जो है वो माउंटेन्स से भरी है. वहाँ पर प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, जो कि शेडो के रूप में हमें फुल मून नाइट पे चांद पर दिखाई देते हैं, जिसको छोटे बच्चे कई बार ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये चरखा काटती हुई नानी माँ है. जब हम फुल मून नाइट को चांद की तरफ देखते हैं तो हमें उसमें कुछ शेडोज दिखाई देती हैं, उन शेडोज को हम अपना अपना रूप दे लेते हैं. वो जो शेडोज हैं वो वहाँ के माउंटेन्स की हैं. जो डिस्टेंस है मून और अर्थ का, दो ये हमें हमारे बहुत पास दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो जो पूरा डिस्टेंस है वो 384 किलोमीटर एंड 400 है. इतने किलोमीटर पर हमारे अर्थ से मून का डिस्टेंस है. नाउ वी टॉक अबाउट एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड बेल्ट जो हमने यहाँ पढ़ा, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार पैलेट एंड प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी विच मूव अराउंड द सन. दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स. यानी कि स्टार्स और प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ ऐसे अवशेष होते हैं जो कि
सूर्य के साथ साथ उसकी फोर्स के कारण उसके बाहर बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। मेनली ये बेल्ट हमें दिखाई देती है सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में। They found between the orbit of Mars and Jupiter. Scientists are of view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. अब ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, यानी इसमें जो पत्थर के टुकड़े बहुत बड़े साइज के या फिर डस्ट गैस मिक्स ऑल जो चीज़ें हैं जो सूर्य के बाहर बाहर चक्कर लगाती रहती हैं, वो उन प्लैनेट्स के अवशेष हैं जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। एक्सप्लॉइट हो गए हैं वो किसी भी रीज़न से, उनकी गैस के कारण, उनमें हीट ज़्यादा हो गई उसके कारण, तो ये उसके बाहर बाहर घूमते रहते हैं। मेट्रोइड्स, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोइड्स। समटाइम कम नियर द अर्थ एंड ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। अब क्या होता है कि एस्ट्रॉइड्स के अलावा एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं मेट्रोइड्स। अब मेट्रोइड्स क्या होते हैं? मेट्रोइड्स होते हैं स्मॉल पीक्स ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन कॉल्ड मेट्रोइड। वो अराउंड सन के बाहर बाहर घूमते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं जो यहाँ घूमते हैं, उनको हम मेट्रोइड्स कहते हैं। समटाइम दे कम नियर टू अर्थ, कुछ टाइम वो अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं और हवा के साथ फ्रिक्शन होने की वजह से उनमें हीट और लाइट आती है जिसकी वजह से हमें वो दिखाई देते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी समझ लेते हैं कई बार, वो मेट्रोइड्स होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं और वो अर्थ की स्पेस में आकर वहाँ एक छेद कर देते हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम इसमें पढ़ेंगे, वो आता है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी हमें ओपन आई से विजिबल होती है, नेकेड आई से विजिबल होती है आसमान में फुल मून नाइट के टाइम पे। वो होता है एक ऐसा चैम्बर गैस का, लाइट का, डस्ट का, जो कि आसमान में एक ऐसी इमेज बनाता है जैसे कि ये एक तारों की रिवर है, जिसकी वजह से एंशिएंट टाइम में उन्हें आकाश गंगा का नाम दिया गया। तो देखो जैसे हम यहाँ पढ़ें इसे, ये आता है ओवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, गैलेक्सी विच इज द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाशगंगा कहा गया है एशियन टाइम में इन इंडिया। और जो पूरा सोलर सिस्टम है यानी कि जो ब्रह्मांड है वो मिलियंस ऑफ ऐसी मिल्की वे से बना हुआ है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी मिलियंस ऑफ टाइम है, उसकी वजह से उसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है जिसका पार्ट अर्थ है। इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम आकाश गंगा। ये क्या हुआ कि इसको देखकर ऐसी फील आती जैसे कि ये एक तारों की से भरी नदी हो, इसलिए उसको नाम दिया गया आकाश गंगा। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। जो गैलेक्सी जो होती है वो बिलियंस में, लाखों में तारों की, डस्ट की, गैसेज की एक ऐसा चैम्बर होता है जो हमें देखने में लगता है जैसे कि तारों की नदी बह रही हो। दीज आर मिलियन, देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड जो बनता है वो ऐसी मिलियन ऑफ गैलेक्सी से मिलकर बनता है। तो यहाँ आज इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक सोलर सिस्टम है, एक मिल्की वे है जिसका पार्ट हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमें एक सन देता है, एक अर्थ देता है और एक मून देता है, और हमारा इन पूरी चीज़ों के साथ क्या रिलेशन है उसको भी बताता है। अब हम खुद को यूनिवर्स की इन सब चीज़ों के साथ कैसे देखते हैं ये देखिएगा। दिस इज वी, दिस इज आर अर्थ, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम एंड सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी एंड दिस मिल्की वे इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स।
So by this we can wind up this chapter, our solar system.